देखिए छात्रों, आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम स्टोमेक के अंदर डाइजेशन की मैकेनिज्म को पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजी को हम समझ रहे थे, आगे आज हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने बताया था कि गैस्ट्रिक के अंदर यानी जठर के अंदर या फिर हम कह सकते हैं स्टोमेक के अंदर कितनी मात्रा में और किन किन पदार्थों का किस प्रकार से डाइजेशन होता है, उसी जठर रस के अमाउंट को उसमें जो पर्याप्त अलग अलग मात्रा में जो कंपोनेंट्स थे, मोस्टली हमने जो HCl का भी वहां जिक्र किया था, उन्हीं को आज हम क्या नाम से उनका किस प्रकार से कंट्रोल या नियमन किया जाता है उसको यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यह है, जठर रस जो है कंप्लीटली, जिसमें जठर के पाचक एंजाइम्स भी हैं और साथ में ही HCl की कुछ मात्रा भी, मेरे कहने का मतलब यह है कंप्लीटली जो जठर रस है गैस्ट्रिक जूस जो है उसका कंट्रोल या नियमन किस प्रकार से किया जाता है, ये हमें यहाँ थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, गौर करना, ऐसा माना गया है कि आमाशय में जब भोजन का पाचन हो जाता है और वो थोड़ा और तरल पदार्थ या लिक्विड में बदल जाता है, थोड़ा और डाइजेस्ट होने के बाद छोटे कणों में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, छोटे घटकों में टूट जाता है, तो ऐसे पदार्थ के बाद जब ये ग्रहणी में प्रवेश करता है पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, ये हमें ज्ञात है कि आमाशय का पीछे वाला जो और आमाशय और ग्रहणी के बीच में जो छिद्र है, जो आमाशय से भोजन को ग्रहणी में रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाने देता है, उस छिद्र को पाइलोरिक छिद्र कहते हैं, पर इसका नियमन वही HCl के द्वारा किया जाता है। लेकिन गौर करना, जैसे ही भोजन पाइलोरिक छिद्र से ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ग्रहणी की जो श्लेष्मिका सतह है, उस श्लेष्मिका सतह से एक पदार्थ निकलता है जिसको क्या नाम से एंट्रोगैस्ट्रॉन बोलते हैं, एंट्रोगैस्ट्रॉन कहा जाता है, आपको शब्द याद रखना है। एंट्रोगैस्ट्रॉन कहा जाता है, यह एंट्रोगैस्ट्रॉन आमाशय में जाने के पश्चात कंप्लीटली गैस्ट्रिक ग्लैंड में जब यह फैलता है ना, तो उसको प्रभावित करता है, जठर ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिससे जठर रस के स्राव की दर धीमी हो जाती है, यानी जठर रस स्रावित होना बंद हो जाता है, उसके स्राव की दर कम हो जाती है। आपको बात समझ में आई होगी, जब जठर में सारा पाचन हो लेता है उसके बाद जब ग्रहणी में भोजन जाता है और थोड़ा बहुत लिक्विड होने के बाद पचने के बाद है ना, तो ऐसी स्थिति में एंट्रोगैस्ट्रॉन ड्यूडेनम की सतह से स्रावित होकर आमाशय तक पहुंचता है और जठर ग्रंथियों को प्रभावित कर जठर रस के स्राव को धीमा कर देता है, क्योंकि अब जठर रस की वहां आवश्यकता नहीं है, उसने अपना काम कर लिया है। अब ग्रहणी की बात, तो एक तरीके से तो एंट्रोगैस्ट्रॉन आपको याद रखना इसके द्वारा नियमन होता है जठर रस का। दूसरा, कई बार ऐसा देखा गया है, कभी कभी क्या होता है, आमाशय में जो है HCl के स्राव की दर धीमी हो जाती है और HCl की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, HCl की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या होता है, अल्प अम्लीयता स्थिति उत्पन्न होती है, स्थिति कौन सी आती है, अल्प अम्लीयता, यानी HCl की कमी, HCl घुलनशील है उसकी कमी, तो अल्प हो गया, अल्प अम्लीयता वाली स्थिति आती है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपच की स्थिति पैदा होती है, कब्ज जिसको हम कह सकते हैं, कब्ज या अपच वाली स्थिति पैदा हो जाती है। और कई बार स्थिति क्या होती है, जब HCl सामान्य से अधिक होता है, जितनी सामान्य मात्रा होनी चाहिए उससे यदि अधिक है, तो ये स्थिति भी घातक होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गैस्ट्रिक की जो कंप्लीटली वॉल है, यदि आमाशय की जो पूरी सतह है, जो दीवार है, जो भित्ति है,
उसमें घोर अम्ल के प्रभाव की वजह से, यानी सामान्य बहुत ज्यादा अधिक मात्रा अम्ल की हो जाने की वजह से क्या हो जाते हैं, छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं आमाशय की भित्ति में, छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये स्थिति बहुत घातक होती है। अब कंडीशन देखिए ये आती है, जठर रस के नियमन और कंट्रोल को समझने के लिए जो जठर रस है उसकी तीन प्रावस्थाएं बताई गई है, जिसमें से पहली जो होती है उसको सिफेलिक बोलते हैं, सिफेलिक कंडीशन। और देखिए स्थिति यह है, मोस्टली इसका जो कंट्रोल है वो हार्मोनल एंड नर्वल दोनों प्रकार से होता है। क्या समझे, हार्मोनल का मतलब हार्मोन के द्वारा भी कंट्रोल होता है और हार्मोन ग्रंथियों के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, नर्वल यानी नर्व्स यानी तंत्रिकाओं के द्वारा भी कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस है ना। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सिफेलिक जो स्थिति है तीनों में डिफरेंस है, तीनों को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद हम हार्मोनियम नर्व के द्वारा किस प्रकार से जठर रस का स्राव बंद किया जाता है या प्रारंभ किया जाता है या चालू रखा जाता है वो चीज समझ में आएगी। कुल मिलाकर देखिए सिफेलिक अवस्था वो है जब भोजन जो है उसको आमाशय में पहुंचने की जरूरत नहीं होती। सिफेलिक अवस्था में भोजन आमाशय में पहुंचता नहीं है, केवल भोजन को देखने मात्र से या केवल उसको सूंघने से ही है ना, या फिर चखने से ही, यानी आमाशय में नहीं पहुंचे, केवल देख रहे हैं उसको, और उससे ही यदि जठर रस स्रावित होने लग जाए, उसके उद्दीपन से ही जठर रस निकलने लगे है ना, तो वो कंडीशन सिफेलिक होती है जठर रस। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या है, केवल देखने और सूंघने वाली स्थिति यहां आती है, देखने और सूंघने यानी भोजन आमाशय में पहुंचा भी नहीं है, केवल देख रहे हैं और उसी से जठर रस स्रावित हो रहा है ना। इसी ये जो जठर रस निकलता है इसको साइकस जूस कहते हैं, साइकस रस, या फिर अब देखने और सूंघने से ही जठर रस निकलता है और आमाशय में आ जाता है जठर ग्रंथियों से निकल करके, तो हमें क्या महसूस एहसास होता है, भूख का एहसास होने लगता है, भूख का एहसास होने लगता है, और इसलिए इसको यानी जठर रस को एपेटाइट जूस भी कहा जाता है। एपेटाइट जूस भी कहा जाता है। ठीक है, केवल हमने देखा पहुंचा नहीं, ग्रहण नहीं किया और उसी से जठर रस निकलने लगा है ना, तो हमें क्षुधा महसूस होने लगेगी और क्षुधा की वजह से एपेटाइट शब्द आया हमारे पास, एपेटाइट जूस से कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से सीधा कंट्रोल है जठर रस का, सूंघने मात्र से ही जठर रस स्रावित होने लगा है ना, एपेटाइट जूस नाम देंगे। दूसरी जो इसकी स्थिति आती है वो है जठर प्रावस्था, गैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक वाली कंडीशन। देखिए इसमें क्या होता है, सिफेलिक में केवल देखने से मात्र से जठर रस निकलने लगता है, जठर अवस्था में यानी गैस्ट्रिक फेज में भोजन जठर तक पहुंचता है, जठर का मतलब क्या है आमाशय है ना, यानी आमाशय तक जाता है, कुल मिलाकर भोजन को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करने के बाद भोजन आमाशय तक पहुंचता है, आमाशय की दीवार भित्ति और जठर के संपर्क में भी आता है भोजन, और संपर्क में आने के बाद जठर ग्रंथियों के कोशिकाओं को स्टिमुलेशन मिलता है, उद्दीपन मिलता है, तब जाकर वो जठर का स्राव करने लगता है, जठर रस का गैस्ट्रिक जूस का स्राव करने लगती है ना। कहने का मतलब यह है इस कंडीशन में भोजन का आमाशय में पहुंचना जरूरी है, बिना आमाशय में पहुंचे गैस्ट्रिक फेज में गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें देखने से हो जाता है, यहां संपर्क से होता है। ठीक है, भोजन के जठर में संपर्क
यानी भोजन जो है जठर की दीवार के कोशिकाओं के सतह के संपर्क में जब आएगा तो ही जठर रस स्रावित होगा, देखने से नहीं होगा। तो वो वाली कंडीशन गैस्ट्रिक होती है। बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है, पाइलोरिक जो भाग है, पाइलोरिक भाग का जो श्लेष्मिक स्तर है, उस श्लेष्मिक स्तर से एक पदार्थ स्रावित होता है जिसको गैस्ट्रिक बोलते हैं। गैस्ट्रिक ये क्या काम करता है, ये गैस्ट्रिक पदार्थ स्टिमुलेट करके एक तरीके से यह हार्मोन वाली स्थिति है ना, ये गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उद्दीप्त करती है, प्रेरित करती है और जठर रस मूचित होने लग जाता है, जठर रस निकलने लगता है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरी जो कंडीशन आती है वो है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज जैसा नाम से हमें सीधा समझ में आता है, इंटेस्टाइनल फेज का मतलब है भोजन जो है गैस्ट्रिक वाले पार्ट को, स्टमक वाले पार्ट को पार करके और इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। तो इंटेस्टाइन का भी जो म्यूकस लेयर है, श्लेष्मा वाली जो सतह है, उससे फिर पदार्थ निकलता है ना, उससे पदार्थ निकलता है, उसको एंट्रोगैस्ट्रोन कहा जाता है। और वो पदार्थ निकल करके निकलने के पश्चात कहाँ जाता है, गैस्ट्रिक की कोशिकाओं तक जाता है, आमाशय की कोशिकाओं तक जाता है, यानी जठर ग्रंथियों तक जाता है। और जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं को प्रेरित करके और क्या नाम से जठर रस के स्राव को बंद करवाता है, बंद करवाने का काम करता है। ध्यान रखना सिफिलिक अवस्था प्रेरित करती है और मूचित होता है रस। इस इंटेस्टाइनल फेज में भोजन इंटेस्टाइन में आ जाता है, यहाँ से पदार्थ निकलता है। चूंकि इंटेस्टाइन में भोजन आ गया तो गैस्ट्रिक में पचाने वाले तत्वों की अब कोई आवश्यकता नहीं रही, वो काम हो चुका है, इसलिए जठर रस के स्राव को बंद करवाना है। तो ये पदार्थ जब निकल के जाएगा गैस्ट्रिक की कोशिकाओं तक तो वहां इस प्रकार से प्रेरित करता है जिससे जठर कोशिकाएं जठर रस के स्राव को बंद कर देती है। ठीक है, जठर रस का स्राव बंद होता है। हम प्रभाव तरीके पढ़ रहे हैं किस पर तरीके से नियमन होता है, तो जठर रस के द्वारा बंद होता है। ठीक है, और नर्वल की हम बात करें तंत्रिकाओं के द्वारा, तो इसमें मोस्टली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त जो तंत्रिका है, वो इसका नियमन करती है। हार्मोन की बात हमारे गैस्ट्रिन एंट्रो गैस्ट्रोन समझ में आ गया होगा, लेकिन तंत्रिका की बात करें तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में हमें पता है दो तरह की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जिन दोनों का कार्य भी विपरीत होता है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है ना। तो कुल मिलाकर ऑटोनॉमिक सिस्टम में एक तो अनुकंपी तंत्रिकाएं होती है, एक परानुकंपी तंत्रिकाएं होती है। अनुकंप दोनों का काम एक दूसरे का विपरीत होता है। कहने का मतलब है अनुकंपी तंत्रिकाएं यदि जठर रस के स्राव को बढ़ाती हैं तो परानुकंपी तंत्रिकाएं स्राव को घटाने का काम करेंगी। ठीक है, इस तरीके से तंत्रिकाओं और हार्मोन्स के द्वारा जठर रस के स्राव को प्रभावित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियमन किया जाता है। अब एक स्थिति देखिए यहाँ पर यह आती है, आमाशय में जब कंप्लीटली भोजन का पाचन हो लेता है, आमाशय में जब पूरी तरह भोजन पच लेता है तो और अधिक पतला है ना, गाढ़ी मूर्ति के रूप में हो जाता है भोजन, और उस भोजन के रूप को काइम कहा जाता है, CHYM। भोजन के उस रूप को काइम कहा जाता है जो ग्रहणी में प्रवेश करेगा। आमाशय में पाचन के बाद बदलने वाले पतले लुगदी जैसे पदार्थ भोजन का रूप है ना, जो पाइलोरिक क्षेत्र के बाद अब ग्रहणी में प्रवेश करने वाला है,
उसको हम काइम कहते हैं। काइम शब्द आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मुख गुहा में जब पाचन होता था और दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता था तो अर्धठोस पदार्थ बनता था भोजन का, उसको हम बोलस नाम देते थे, इसको यहाँ काइम कहा गया। और इसका और अधिक पाचन जब होलेगा आंत्र में, है ना, तो ये और अधिक छोटे कंपोनेंट में विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा और अधिक तरल हो जाएगा, उसी स्थिति में उसको काइम बोलने लग जाएंगे। अब काइम है वो फिर काइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एसिमिलेशन होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल को वॉल में। तो इस तरीके से ये फॉर्म निकल करके आते हैं। अब ये जो काइम है ये पाइलोरिक छिद्र के द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहणी में पहुंचा है, ग्रहणी में। अब यहाँ से आगे ग्रहणी में पाचन चलेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।